दोस्तों ये है एक नॉर्मल टेस्टर और इससे हम एक वायरलेस टेस्टर बनाएंगे। तो इसका अंदर जो माल मटेरियल था उसको मैंने निकाल दिया था। एक बार आपको दिखा देते कि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो अब देख पा रहे कुछ नहीं है इसके अंदर। दोस्तों उसे बनाने के लिए पहले आपको चाहिए ऐसा एक पेन। हमें तो पेन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो स्प्रिंग है इसका ज़रूरत है। तो स्प्रिंग को निकाल लेते हैं और बाकी को फेंक देते हैं। फिर आपको चाहिए ऐसा एक ट्रांजिस्टर, इसका वैल्यू है BC548। हो सकता है BC547 में भी ये काम करे, मैंने ट्राई नहीं किया, आप कर सकते हैं ट्राई। फिर आपको चाहिए दो वोल्टम बैटरी, मेरा तो जो LED है वो 3 वोल्ट का है, आपका अगर 4 वोल्ट का LED है तो आप 3 ले लीजिए। फिर आपको चाहिए कॉपर वायर, इतना सा काफ़ी है। फिर ऐसा एक LED चाहिए, ये 3 वोल्ट का है और ये रेड कलर का है, आप रेड कलर लीजिए, दिन में अच्छे से दिखाई देगा। ये जो LED है इसका जो 2 टर्मिनल है इसको ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। फिर ये जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस टर्मिनल मतलब मिडिल वाला जो टर्मिनल होता है इसको ऐसे मोड़ के ऊपर की तरफ ले आएंगे, इसके साथ छोटा वाला स्प्रिंग को लगाएंगे। फिर ये जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर देंगे। फिर LED को ट्रांजिस्टर के साथ ऐसे इसको लगाएंगे। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट के साथ LED का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। हो सकता है आप कॉन्फ्यूज हो रहा है, इसलिए डायग्राम है, आप डायग्राम देख के कर सकते हैं। तो अब इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। फिर हमने जो कॉपर वायर देख दिया आपको, थोड़ा सा काट के ऐसे इसको बेस के साथ लगा देना है। फिर ऐसे छोटा सा स्प्रिंग लेंगे और बेस वाले जो टर्मिनल है इसको ऐसे इसके ऊपर लगा देंगे, फिर सोल्डरिंग कर देंगे। तो लगाना हो गया, फिर सोल्डरिंग करते हैं। फिर जो 2 सेल लिया था उसको ऐसे इसको लगा के इसके साइड में टेप लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अब इस वायर को थोड़ा सा काट के छील लेते हैं इसको। अब इसको इसके अंदर घुसाते हैं, फिर बैटरी को लगाते हैं, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल नीचे होगा कुछ इस प्रकार। फिर स्प्रिंग को लगाएंगे कुछ इस प्रकार, उससे पहले इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा स्प्रिंग के साथ वायर को। दोस्तों ये कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसको टेस्टर के अंदर घुसाने के पहले इस बैटरी को ऐसे इसको लगा के चेक कर लेते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जल रहा है, मतलब ओके। तो आप घुसाते हैं इसके अंदर, फिर बैटरी को लगाते हैं, बैटरी को जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो नीचे होगा। फिर ऐसे एक पॉलीथीन का पीस ले लेंगे और इसको काट के एक छोटा सा ऐसा एक पीस ले लेंगे इस ढक्कन के माप पे। फिर ऐसे एक मेटल का कुछ भी ऐसे एक पीस लगा दीजिए, फिर हमने जो पॉलीथीन काटा था उसको इसके ऊपर लगा देंगे, फिर जो ढक्कन था उसको भी लगा देंगे। ध्यान रखना ये जो ढक्कन है और जो स्प्रिंग है इसके बीच में ही पॉलीथीन का पीस लगे, नहीं तो आप जब हाई वोल्टेज मापने जाएंगे फिर आपको शॉक लगेगा और ये जो LED है वो खराब हो सकता है। इस टेस्टर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो एयर है आप देख सकते हैं, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। पहले मैंने जैसे टेस्टर को पकड़ा है आप ऐसे पकड़िए, फिर वायर के एक टर्मिनल के साथ टेस्टर को लगाइए और दूसरे को ऐसे हाथ से पकड़िए। अगर वायर ओके है तो फिर ये LED जलेगा, अगर वायर कटा है तो फिर नहीं जलेगा। तो दोस्तों चलिए अब इसको चेक करते हैं। ये एक डायोड है, आप इसको पकड़ के ऐसे चेक करते तो जल रहा है मतलब ओके है, और इस साइड नहीं जल रहा है मतलब ये जो डायोड है ये सही में काम कर रहा है। आप इसको ऐसे भी पकड़ के चेक कर सकते हैं। एक बात बता देता है कि डायोड में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अब इस LED को चेक करते हैं, ये बेसिकली एक डायोड ही है। तो आप सबको पता है कि जब आप LED को उल्टा लगाते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में, तब LED नहीं ग्लो करता। तो आप देखें कि इस साइड नहीं चल रहा था और इस साइड चल रहा है, मतलब ये जो LED है ये एकदम ओके है। अब इस बल्ब को चेक करते हैं, तो ये जल रहा है मतलब ये ओके है एकदम।
ये एक रजिस्टर है, इसको चेक करते हैं तो देख पा रहे हैं ये ग्लो कर रहा है, मतलब ये ओके एकदम। और ये टर्मिनल को चेंज करने के बाद भी ग्लो कर रहा है। दोस्तों ये जो टेस्टर है ये इसका मेन फंक्शन है, जब भी कोई करंट जाने वाले वायर के ऊपर ऐसे इसको टच करेंगे तब ये एलईडी ग्लो करेगा। तो आप देख पा रहे हैं स्विच ऑन है तब ये एलईडी ग्लो कर रहा है, और जब स्विच ऑफ है तब ये एलईडी नहीं ग्लो कर रहा है, जब ऑन है तब ग्लो कर रहा है। और एक बात है, ये जो टेस्टर है आप अगर इस बोर्ड के ऊपर ऐसे इसको टच करेंगे तो ये ग्लो करेगा, और जब करंट नहीं रहेगा तब अगर इसको टच करेंगे तो नहीं ग्लो करेगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बगल वाले जो बेल आइकन है उसको भी बजा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।